मौसम जेड़ा ना माशाल्लाह बिल्कुल ही साफ हो रहा और मंजियां जेड़ियां ने थई बाहर काढ़ लिया। हां निजा फातिमा अलीमा सादिया और जी माशाल्लाह मिसाला जेड़ा ते बिल्कुल पहुंच के होया खड़ा। और जी बारिश जेड़ी ना तेज होगी, कणियां जेड़ियां ने मोटियां मोटियां वसण हो गई, अल्लाह पाक करम करे। और जी बेगम साहब जेड़े ना रिजाइयां दे ऊपर जेड़े नु उलारे चाल रहे ने, पानी जेड़ा ना उपर खड़ो रहा और पानी जेड़ा ना अंदर ही पै गया, जो डबल करके दिता हुआ ना क्योंकि छापर फटे हुए होने वजह तो जेड़ा ना पानी अंदर चला गया। और माशाल्लाह उधरों धुप निकली हुई है, उधरों जी ना कणियां पै रही और बदल भी जेड़ा ना इस साइड बहुत ज्यादा, इधरों जी ना धुप निकल है और अदली साइड तो जेड़ा ना बदल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दुआ करना मैं तमाम बहन भी जिते रहन खुश रहन बाद रहन हमेशा से मुस्कुराते रहन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। वीडियो शुरू करने पहले तमाम बहन भी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लो और घंटे निशान दबाने भूलिया ताकि आने वाली हर नवी वीडियो तुहाडे तक आसानी पहुँच सके। तो अज माशाल्लाह टाइम हो गया तकरीबन 3 का और बदल जेड़ा ना बहुत ही ज़्यादा बने और हवा जी बहुत ज़्यादा जी तेज़ तेज़ चल रही है और बाहरले तंदूर तो जेड़े ना मैं कज आया और अंदरले तंदूर जेड़े ना हूँ कज्जन लगे और हवा जी ना और ज़्यादा तेज़ होगी और सारा मौसम जेड़ा तुम सारे पहले दिखा दें और हनेरी जी ना चल पई बहुत ही तेज़ और ओल तंदूर जेड़े ना कज्जन पे छोटे तंदूर जेड़े ना कड़ लें तो वड्डा तंदूर जेड़ा ना सेव करके कज दें और बाहरले तंदूर जेड़े ना मैं सारे कज के लैके आ गया। तो और क्योंकि सुबह तो लग के हूँ तिकर जेड़ा ना मैं हाली हूँ ही ना धो के वेला होया सुबह की जी ना लकड़ी डाउन लगे वो तुम बाद दिखाने लगे सारे पहले चल के तंदूर कड़ लेना। हाँ तंदूर पहले कड़ लीए और कपड़े वगैरह भी वाले ना उठ जानी। चल तंदूर जेड़े ने सारे पहले जेड़े मैं कड़ लेना, छोटी जेड़ी मैं कला कड़ लेना तो दूसरा वड्डा तंदूर जेड़ा रल के कड़ लवेंगे। निकल गए सही बाकी उन्हें एक रह गया राल के काट लेंगे। नहीं नहीं बड़ा तो नहीं रहा राल के काट लेंगे। सिन्ना एक पास तो माशाल्लाह ना जहर ना हुए कल लाई काट रहे हैं। नहीं नहीं यार नहीं नहीं एक तो है सिन्ना तो नाले तेरे कल लेकर निकल। चलो ठीक सारा टोटल फुल सुकया पिया सी इस करके मैं ट्राई कीती आ और तंदूर जेड़ा ना मैं कल्ले काढ़ लिया। चलो शुक्र है नहीं तो भगवान की जेड़ी ना डांट बड़ी पैनी है साफ सुथरे जेड़े निकल गए डैमेज कोई नहीं होना सफाई करके जेड़ी बार छापर रख लेंगे। छापर भी नवा नहीं है पुराना जहा फटे होया इस करके डबल ही ट्रिपल करके दिता और जी तंदूर जेड़ा ना सी वड्डा ही कजी गया और नुमान जेड़ा ना सफाई कर रहा है। हां दो में चक के जेड़े रख ली क्योंकि बदल तुसी जेड़ा ना देख सकते हो बहुत ही ज्यादा बाने आया और लकड़ा की जी गल है ना मैं दसता जावा क्योंकि दूसरे विलाग के मैं दसिया लकड़ा असं लैनी है क्योंकि इतों ही ना बैक साइड तो जो दरखत पटीजे से उतु लकड़ा लैके आए क्योंकि साढ़े जेड़े ना वाकिफ से जोड़े वो लकड़ा पट्टन वाले से क्योंकि तुम शायद जेड़ा ना गर्मियों उन्होंने विलाग के वेख रहे हो क्योंकि साढ़े को इतों ही जेड़े ना कट्ठे तंदूर लै जाते वेचण वास्ते मतलब कि
60 70 इतने तंदूर जो लै जाते हैं, 7-8 जो फेरे तंदूर जो लैके जाते हैं इतों जो साढ़े को मुल लैके जाते हैं तंदूर, मतलब कि छोटा व्डा जोड़ा ना 300-350 रुपए जो लैके जाते हैं अगे जोड़ा ना, मतलब कि आपके बच्चों वास्ते फैमिली वास्ते दाने तो तंदूर दे के दाने जोड़े ने साल के खाने के इकट्ठे करते हैं। तो उन्होंने जी लकड़ी पट रहे थे उन्होंने पूछा मैं बेचनिया ने तो मन दो जो मैं लै लें क्योंकि बरीक जी लकड़ा ने बालों वास्ते अच्छी ने, लेकिन जो उन्होंने कहा भी सारा टोटल ही चारा जोड़ा ना चाल वो मोटी मोटी लकड़ी असं लै जाने तो सन तुम ना गर्मियों में भी तंदूर दे दिया है, लेकिन मैं क्या भी तंदूर जोड़े ना बहुत ही ज़्यादा ने क्योंकि भी तंदूर की तो मैं आखिर इसमें डबल लकड़ी लैके आ जाऊँगा। फिर जी फाइनल गल हुई 15 तंदूर से भी छोटी वीड्डी तंदूरी जी 15 दे छड़िया तो लकड़ी जी तुम चाल क्योंकि हम इंशाला जी उन्होंने असं गर्मियों के जोड़े ना 15 तंदूरियां देनिया और माशाला तकरीबन जड़ियाँ ना 5-6 मण तो जड़िया लकड़ा होनिया ने इनिया तो जानिया 5-6 मण क्योंकि ना मोटे कोई नहीं ने बिल्कुल बरीक ही हैं सूड़ा वा क्योंकि इस तरह से पहले उन्होंने साफ करके फिर जी नमी दी नाल मैं आप ही साफ कराया क्योंकि 2 बजे तिखर जोड़े ने गरे टोया तो माशाला सर्दियों वास्ते अपने को नहीं मुकदियाँ क्योंकि फिकर से क्योंकि दूसरे जो 700 नू माण हो गई लकड़ा इस करके जोड़ा ना हाँ नहीं उपरला चारा जोड़ा ना अपने रख लवेंगे तो वह भी मोटिया गेलियां ही लै गए तो चारा जोड़ा ना मैं लै लिया फिर उन्होंने को तो अपने जोड़े नीवे सेव करके रख देने जी दुनिया ने मन दो होर जी मुल लै लवेंगे हूँ बाली रखा यह सर्दियों के जड़ियाँ ना कम आवन गई बालों वास्ते नहीं कोई नहीं जरूरत आली 12 शाह की तो दे लवेंगे और जी तंदूर वगैरह भी जोड़े ने चाह के रख ले और कणिया पैनिया जी माशाला शुरू हो गई बरीक बरीक कणिया जो माशाला पै रही ने रहमत दियाँ बिल्कुल ना बरीक बरीक कणिया जी नाली तिकर पै रही और बदल बहुत ही ज्यादा आ जा नुमान आ जा अंदर आ जा कणिया पै रही आ जा और जी बारिश जी ना तेज़ होगी कड़ियाँ जड़ियाँ ना मोटिया मोटिया वसण हो गई अल्लाह पाक करम करे और जी बेगम साहब जेड़े ना रिजाइयों के उपर जेड़े नू उलारे चाल रहे ने नहीं नहीं ये सही है मसला और बेगम साहब जो रिजाइयों उपर जो कपड़ा चाड़ रहे और मैं छापर उतू जो मैं पानी तंदूर वाले ला लिए क्योंकि ज़्यादा हो गया छापर मैं फट ना जाए क्योंकि पानी जोड़ा ना उपर खलो रहा और पानी जोड़ा ना अंदर ही पै गया जो डबल करके दिता हुआ ना क्योंकि छापर फटे हुआ उनकी वजह तो जोड़ा ना पानी अंदर चला गया और माशाला उधरों धुप निकली हुई है उधरों जी ना कणियाँ पै रही और बदल भी जोड़ा ना इस साइड बहुत ज़्यादा इधरों जी ना धुप निकल आई और अदली साइड तो जोड़ा ना बदल और कणियाँ जड़ियाँ ना मठिया मठिया पै रही थोड़िया थोड़िया और जी पानी जोड़ा ना तंदूर तो जट के बाद मंजे वगैरह जो बहर कड़ ले क्योंकि मौसम जोड़ा ने एक साफ हो गया बारिश वगैरह किसी किस्म का कोई इमकान कोई नहीं जी मौसम जोड़ा ना माशाला बिल्कुल ही साफ हो रहा और मंजिया जड़िया ने इतने बहर कड़ लिया हाँ लीजा फातमा लीमा जादिया लीमा जादिया हाँ लैट कोई नुमान नहीं। और नुमान ने जाके चौंक तू जेड़े ना कैन मैं समोसे लिया के समोसे जेड़े लैन दे खाओ क्योंकि रोटी जेड़ी ना पई कोई नहीं इस करके जेड़े समोसे लैन दे और बेगम साहब जेड़ी ना हुण रोटियां वगैरह जेड़ी बना लेंदे बारिश रुक गई लकड़ा वगैरह जेड़ी लैके आ गए मसाला सब्जी जेड़ी लैके आ गए हूँ जो बना लो जे अगर चौंक तो समोसे वाला ना हों नुमान अज आ लिया पानी भुख तो क्योंकि समोसे वैसे भी बच्चों को कोई लिया के देंदा लेकिन अज जोड़ा ना रोटी जी दोपहर टाइम कोई नहीं खाधी तो कह रहे अबू भुख लगी खोती ता करके जो लै हाँ मारेगा भाई हाँ जी आ नुमान उत्ते पराना भी आया बैठे नहीं दे समोसा और ये माशाल्लाह मसाला जो तकरीबन पुज के होया खड़ा
और जी रोटी खा लो उन्नी देर तक पक जाता। मैं तुम जरा ना बैक साइड जो फसलां वगैरह जी सारी टोटल दिखा देव। और अब्बू जी भी जड़े ना वापस आए ने आमना ते अम्मी जी ने जिन्हें छड़िया ने। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जरा ना फिर आमना ते अम्मी जी जड़े ना आएंगे और तुम जो सारे पहले चल के जरा बाहर का मौसम जरा ना वो चेक करा दें। माशाल्लाह क्योंकि बैक साइड से फसलें जी बारिश आई है थोड़ी जी ना तो सारा ही सब्जा ही सब्जा हो गया गट्टा मिट्टी उत्ते जिन्ना सी ना सारा टोटल ही लै गया। और जी तंदूर तो जरा ना हाले तक मैं नहीं ला रहा इस करके मैं आख्या मौसम जरा हाले तक खराब आ बारिश ना आ जाए सुबह जरा ना फास्ट टाइम इन्हें थ्रू लावे भी और मूंगर भी जरा मुकम्मल कर लेंगे क्योंकि एक साइड तो जरा मूंगर इन्हों का मुकम्मल हो गया और दूसरी साइड का जो रहा छोटे तो दंद जिमें विखाया नहीं कड़ लेने तो बाकी व्डा जरा ने इंशाल्लाह दो दिन होर ला जाएगा तीसरे दिन जरा ना यह निकलेगा। तो बाहरले तंदूर भी जड़े ना वो भी कज्जे राण देने उन्होंने जरा सुबह ही उत्तू छापर लावे क्योंकि इस टाइम ही बारिश वगैरह जी ना आ सकती है। और अदली साइड से जरा ना क्योंकि उवें तंदूर जरा ना मैं कज्जे हुए छापर वगैरह जरा ना उपरों लाया कोई नहीं क्योंकि उवें ही काज के रखे मैं सुबह जरा फस्ट टाइम ला लवेंगे। और आज तो भावें लाइट चली भी गई ना तो मौसम जरा ना बहुत ही प्यारा बने अलग रात एवं मौसम रहे बारिश ना आवे क्योंकि रात को बारह अगर भी लाइट चली जाती है तो जी घबराहट जी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और मच्छर वगैरह जो बहुत तंग करते लेकिन बहुत ही प्यारी जी ना ठंडी हवा चली यही लगता जिम्मे ए सी बैठे हाँ इस तरह जी माशाल्लाह बड़ी ठंडी ठंडी हवा जी चली खोती और मौसम जो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बने हुआ। और जी इस साइड लू फ्रंट लू कमरे में विखीवे तो इंज लगता हाले तक अद्धा ही उसरे और हकीकत उसरे अद्धा ही है। और बैक साइड तो जरा विखीवे तो इंज लगता जिम्मे दो कमरे हेठ उत्ते पै खड़े ने इतनी ऊंचाई है बैक साइड तो और फ्रंट तो जरा हाले तक अद्धा तमीर हो दरवाजे तिकर और बैक साइड तो थले आ रहे भी जो खोज ही ना पूरे हो। और यह अल बलाग भी जरा ना इतने खत्म कर रहे हैं क्योंकि जरा शाम हुई खुती और मौसम भी खराब आते इनशाला जरा मिलने किसी नैक्स अच्छे तो अच्छे बलाग। और अगर कोई मेरा बहन भाई जरा रबता करना चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम जरा बने हुआ इजाज विलेज बिलोग के नाम से तो तुम उत्थे आ जरा वॉइस मैसेज के जरिए जी गलबात कर सकते हो। और जिमें कि तुम सूँ इस चैनल पर प्यार मुहब्बत दिता मेरा दूसरा चैनल जरा ना इजाज फैमिली बिलोग उ जाके लाइक सबसक्राइब और शेयर जरा लाजमी करना बहुत मेहरबानी शुक्रिया। तो इस दुआव इजाजत अल्लाह हाफिज़।